डेंगू का डंक प्रदेश में कहर बनकर उभर रहा है, लेकिन प्रदेश में एक जिला ऐसा भी है जो इस बीमारी से स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का शिकार हो रहा है। रामपुर में डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ डेंगू ना जाने कितने लोग को ग्रसित कर चुका है और आधा दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं जिले के टांडा क्षेत्र के केमरी थाना इलाके के रहसेना गांव की, जहां डेंगू के प्रकोप के चलते पिछले 5 दिन में महिला समेत 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं टांडा में भी 5 लोगों की मौत हुई। तहसील स्वार में भी 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मलेरिया विभाग जांच में जुट गया है और 12 व्यक्तियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गांव में बीमारी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। डेंगू था उन्हें और वहाँ पे 3-4 दिन रहे थे, वहाँ पे भी डेंगू की शिकायत बताई थी और 25 तारीख की सुबह को खत्म हो गए थे। खास दिवाली पे 5 बंदों की मृत्यु हो गई डेंगू से, 4 क्या, अगर सरकार थोड़ी हेल्प कर देती तो बढ़िया है, अगर दवाई छोड़े देंगे तो फ़ायदा है, आगे किसी को कुछ परेशानी होगी। और यहाँ पे डेंगू से बड़ी परेशानी हो रही है, कई लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं ग्राम प्रधान शमशुद्दीन ने बताया कि कई बार जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया गया है, लेकिन आज तक गांव में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आया। मेरे यहाँ लगभग 4 मौतें डेंगू से अब तक हो चुकी हैं। मेरे बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद मैंने CMO को एक लेटर दिया कि मेरे यहाँ काफ़ी वायरस है डेंगू का, जिसमें मलेरिया से भी पीड़ित हैं लोग, और हर घर में एक ना दूसरा बंदा बीमार है, बुखार से पीड़ित है इसके। मैंने कहा मेरे यहाँ दवा छिड़क बा दो घरों में, तब किसी ने नहीं सुना। मैंने मोहित, हमारे डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, मिलक प्रभारी हैं, उनसे कहा मैंने कि हमें 2-3 कट्टे दवा उपलब्ध करा दो, जिससे हम अपने मजदूरों से उन्हें घर घर में छिड़काव कर दें मच्छर का, जिससे कुछ बुखार को कंट्रोल हो सके। तो उन्होंने हमें ऐसी 2 किलो दवा दे दी, पता नहीं कौन सा पाउडर है वो, हमने कराया, बोले घरों में नहीं होगी, गली गली में होगी, बस नालों में जो है वहाँ करवा दो। तो हमें तो लगता नहीं उससे कोई प्रभाव मच्छर पर पड़ा, बराबर मच्छर अभी भी है। तो एक दिन एक टीम आ गई खानापूरनी के नाम पे, उसने कुछ ये नहीं करा कि लोगों को किसी तरह की मदद करी हो, बस खानापूरी करके ले गए, बातें बना के चले गए। वो ज़मीनी स्तर पे कोई काम हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब सरकार तो बराबर देखते हैं कि हम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं अच्छा करने का, या स्वच्छता के या साफ़ सफाई के, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अधिकारी सुन नहीं रहे। जब इस बारे में मलेरिया अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। डेंगू का वहाँ पे अभी तक कोई मृत्यु की सूचना हमारे पास नहीं है, ना ही ऐसा कुछ कोई केस हमारी नजर में आया। अच्छा, रामपुर में हॉस्पिटल में जो मरीज लेटे हैं उसमें बताया जा रहा है डेंगू? नहीं, डेंगू जो बताया जा रहा, आप जिसको कह रहे हैं, वो एक आम जनमानस की भाषा में वो डेंगू का शब्द प्रचलित हो गया है। इस समय वायरल और टाइफाइड के मरीज बहुत ज्यादा, ऐसा कोई मरीज जिसमें हमको थोड़ी भी आशंका लगती है तो उसको तुरंत ही आइसोलेशन में लेकर के उसका इलाज शुरू कर दिया। आम जन में एक धारणा है कि सबको डेंगू हो रहा है, जबकि असलियत यह है कि वो वायरल फीवर इस समय ज्यादा फैला हुआ है और साथ में टाइफाइड के भी मरीज बहुत अधिक संख्या में निकल के सामने। जिले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहित ने बताया कि मृतकों के बारे में कोई सूचना अभी तक हमारे पास नहीं आई है। गाँव में 2 बार दवाई का छिड़काव करा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारी इन मौतों का आंकड़ा बताने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या उन्हें अपने आला अधिकारियों को जवाब देने का डर है? वजह जो भी हो, खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा है। लाइव टुडे के लिए रामपुर से फहीम खान की रिपोर्ट।